壁棚ならしてる下から埋めた。उसमें से ताड़ी बनता है हमारे घर का नाम ही है शांति निकेतन। यानी कि बहुत सारे भगवान की ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई है सिक्के होता रहता है। भाई साहब मेरे पीछे देखिए कितना ही बहुत सा आर्ट पीस सब बनाया गया है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का एक न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस हे इज द बुद्धास टेम्पल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुद्ध भगवान का कितना बड़ा सा मूर्ति है। सो गाइस मैं आज आया हूँ शांति निकेतन बोलपुर में और आज मैं आया हूँ कुछ टूरिस्ट प्लेस घूमने। यहाँ काफ़ी घूमने का जगह है। सो गाइस मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग मिलकर आ चुके हैं करेंगे और सब जगह दिखाएंगे क्या क्या घूमने का यहाँ प्लेस है। और वहाँ हमारा टोटो खड़ा है जिससे हम लोग घूम रहे हैं यहाँ। तो अभी हम लोग पहला टेम्पल में आए हैं। हाँ यहाँ का बुद्ध टेम्पल शांति निकेतन का आप देख सकते हैं। और मैं आगे चलता आपको दिखाता हूँ। देखिए बुद्ध भगवान का कितना बड़ा सा मूर्ति है यहाँ पे बनाया गया है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ एक जगह रुके हैं। आप देख सकते हैं कितना मस्त सा सीन है इधर का। और यहाँ थोड़ा सा रुक के मतलब फ़ोटो शूट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको सब फ़ोटो इंस्टा में मिल जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर भी शो होगा मेरा नाम इंस्टा का, सो आप देख लीजिएगा। सो गाइस अभी हम लोग कनकाली तला आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कनकाली तला मेरे पीछे है। सो गाइस यहाँ एक मंदिर है, ये सेकेंड टूरिस्ट प्लेस यहाँ का घूमने का। सो मेरे पीछे तीसरे मंदिर है, वहाँ से पूजा करता है। आपको अच्छी दिखाते हैं यहाँ देखिए सब क्या सौतले डांस हो रहा है। सो आपको दिखाते हैं वो। काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा लग रहा है, इसी अवस्था ख़राब है मेरा बड़ा ठंडा से। सभी आते हैं मंदिर की तरफ, चलते हैं सीधा और दिखाते हैं कि यहाँ कितना प्यारा सा मंदिर है। नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत शांति वाला प्लेस है। जैसा आम है वैसा जगह भी है शांति पूरा। सो मेरा भाई अभी मंदिर के अंदर गया है तो चलते हैं शायद मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको वीडियो अंदर का। भाई जब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं गाइस। वहाँ देख सकते हैं ये साधु बाबा कितना ही अच्छा फ्लूट बजा रहा है। मंदिर से मतलब मंदिर के पीछे तरफ आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पीछे सरसों का खेत है पूरा मैं चारों तरफ। और ये बीच से रास्ता गया हुआ है। क्या ही औसम सा प्लेस है, क्या बताऊँ आपको गाइस। मुझे तो लगा आकर यहाँ बर्बाद होगा, मतलब टाइम वेस्ट होगा, लेकिन गाइस बहुत ही मस्त प्लेस है, बहुत अच्छा जगह है। घूम कर बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं उसमें से ताड़ी बनता है वहाँ देख सकते हैं हुआ है। तो गाइस यहाँ बहुत अच्छा जगह है। यहाँ एक साइड लेक भी है कहीं पर बोला है, नदी टाइप का है कुछ। तो उस साइड थोड़ा चलते हैं आपको वहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खेती हो रहा है अंदर में और ये सब सरसों का खेत है। सो यहाँ का मतलब प्लेस बहुत ज़्यादा ही मस्त है, बहुत मतलब सुकून शांति वाला जगह है पूरा। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सारा ग्रीनरी है, पूरा ग्रीनरी से भरती है। और उस साइड देख सकते हैं उस साइड तो और भी मस्त है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट लोकेशन क्या है, इससे अच्छा या मतलब इससे और ज़्यादा बेस्ट गुड बेटर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जाते हैं वहाँ, आपको वहाँ के दिखाते हैं नेक्स्ट लोकेशन क्या रहेगा क्या। आप एक यहाँ घर देख पा रहे होंगे येलो कलर का, ये घर का नाम ही है शांति निकेतन और इसी का नाम से मतलब ये पूरा जगह का नाम है
शांति निकेतन पड़ा है। अभी अपने टोटो से उतर चुके हैं और अभी आए हैं श्री निकेतन में। आप जैसे पीछे देख सकते हैं, अभी हम लोग जाएंगे इसके अंदर, तो चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है। सो ये मेरा दोस्त लोग सब आगे जा रहे हैं, ये एक ये एक। और अभी देखिए यहाँ क्या क्या सब मुंडी मुंडी है अजीब सा। सो गाइस यहाँ का प्लेस तो काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे गार्डन हैं छोटे छोटे फूल के, देख सकते हैं आगे पीछे सब तरफ क्या ही जगह है, मतलब बहुत ही अच्छा घूमने लायक। आप लोग आइए विजिट कीजिए यार, अगर घूम के जाइए। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा मैप का, मतलब सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ बता दूंगा कैसे आना है कैसे नहीं आना है। यहाँ पर स्टेशन उतर के टोटो पकड़ के आ सकते हैं आराम से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या प्लेस है, क्या जगह है। और यहाँ सब देखिए टूरिस्ट प्लेस है पूरा, सबको यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ देखिए बुद्ध भगवान का कितना बड़ा वहाँ मूर्ति है उधर पर। यहाँ देखिए छोटा सा लेक टाइप का, लेक बोल रहे हैं, छोटा नदी टाइप का है, रिवर टाइप का बनाया है। यहाँ देखिए छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। यहाँ देखिए बांस का झाड़ी है पूरा, के बहुत सारे भगवान के ऐसे ऐसे मूर्तियाँ बनाई गई है। अरे के पीछे में कितना ही मस्त ये चीज़ है पूरा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक डांस होता है, बहुत फेमस डांस है, सावताली डांस जिसे कहते हैं, तो यहाँ हो रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वो डांस। यहाँ भी वही डांस हो रहा है, सावताली डांस। ये लोग कितना ही मतलब प्रोफेशनल तरीका से डांस करते हैं। ये लोग बंगाली में गाने गाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ क्लोथ्स बहुत कुछ मिल रहा है, वगैरह वगैरह सामान। तो आइए अंदर जाते हैं थोड़ा सा। तो ये सब नेम प्लेट टाइप का कुछ मिल रहा है जो यहाँ पे फूड का। छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं, स्टैचूज हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ बुद्ध भगवान का एक बड़ा सा स्टैचू है मेरे पीछे, ठीक गाइस। ये घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ही शांति वाला जगह है। जैसा नाम है शांति निकेतन, वैसा ही जगह है गाइस। आप यहाँ का प्लेस देख सकते हैं, यहाँ तो और ही मस्त है। यहाँ देखिए कितना मस्त सा घर है यहाँ पर। और यहाँ देखिए आप सब भगवान के मतलब यहाँ फोटोज बनाए गए हैं, दीवार पे पेंटिंग किया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ ये सब कमल के पौधे हैं, इसमें कमल का फूल होता है। देखिए घर बनाया गया यहाँ पे, शायद भगवान पूरा जगह है इसीलिए ऐसा घर और बनाया गया यहाँ पे। तो अब यहाँ आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए तुलसी मंच है। यहाँ देखिए दीवार में कितना सुंदर ही पेंटिंग किया गया है, सब भगवान से ही रिलेटेड है हर चीज। ये देखिए जिसे हल बोलते हैं, ये वही है हल, पुराने जमाने का हल जिसे खेत जोता जाता है, ये वही चीज है हल। तो मैं पूरा घूम के यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं राइनो, काली माँ का एक
पेंटिंग बनाया गया कितना ही मस्त है। ये देखिए, इसे कहते हैं उखली, कहते हैं इसे। तो आपको मैं एक एक घर के अंदर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तथल है ये, मुझे नहीं पता क्या है ये, तथल इसे कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है नाम। वो ताल के पेड़ का है, ऊपर का मुझे नहीं पता कौन से पेड़ का है, लेकिन नीचे का पता है। सब बनाया गया है हैंडमेड, सब हैंडमेड। आप देख सकते कितना ही औसम सा है। तो मैं क्लोज करके, ये देखिए, ये पेड़ के अंदर का मतलब जो होता है, कटा हुआ पेड़ का एक हिस्सा है, उसके अंदर आईना लगाया गया है। राधा कृष्ण का मूर्ति है, यहाँ देखिए एक सीनरी है, ये बहुत ज़्यादा ही मस्त लग रहा है सब दिखने में। देखिए सब का सब यहाँ पर जितना है सब हैंडमेड है। पूरा वीडियो दिखा दिया कि यहाँ क्या है, कैसा नहीं है, कैसा प्लेस है घूमने लायक, बहुत ही औसम सा प्लेस है। आप लोग यहाँ आइए, प्लीज़ घूम कर जाइए। आपसे रिक्वेस्ट करें कि आइए घूम कर जाइए। आप घूम कर जाइएगा तो कहिएगा कि कितना ही मस्त सा प्लेस में गया, कितना ही मस्त सा प्लेस दिखाया, घूम कर आया। सो गाइस, आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहिए, और आपको ऐसी मस्त मस्त में इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, अभी यहाँ से निकलते हैं, और बाय।